नमस्कार, मैं दीक्षा पांडे उपस्थित हूँ आप सभी के बीच दोपहर की कुछ खास खबर को लेकर। तो खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रयागराज जिले से। बता दें कि यूपी के प्रयागराज जिले में आज महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद आज मठ बाघम्बरी गद्दी में उनके सोचड़ी कार्यक्रम में नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के बाद बलवीर गिरी को मठ की कमान सौंपी गई। बलवीर गिरी के नाम का ऐलान सभी अखाड़ों के सभी साधुओं और पदाधिकारियों के बीच महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद सरस्वती ने किया। इस मौके पर सभी अखाड़ों के साधु संतों ने पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ बलवीर गिरी की चादर पोशी करके उनको मठ बाघम्बरी की कमान सौंपी। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। अखाड़ा के जो हमारे पंच होते हैं जिनको परमेश्वर के रूप में माना जाता है, पंच परमेश्वर, पंच जो फैसला करते हैं वही फैसला सर्वमान्य होता है। और आज हमारे नई अखाड़े के जो पंच है और जो हरा परिषद के हमारे पदाधिकारी है सबने मिलकर ये फैसला लिया, जो महाराज श्री की इच्छा थी उसी के अनुरूप जो है उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। और आज हमने बलवीर गिरी जी को यहाँ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है। और जो हमारी परंपरा है, जो हमारे समाज की परंपरा है, जो हमारे दस नाम की परंपरा है, उनको उसका पालन करना पड़ेगा और समाज के अनुकूल ही उनको जो कि हमारी विधि विधान है, जो परंपरा है, वो निभानी। सुपरवाइजरी बोर्ड का क्या? देखिए, ये बोर्ड का जो गठन किया गया है, ये बोर्ड का गठन खाली उनके लिए नहीं, मैं निर्जनीय अखाड़े का सचिव हूँ, मनसा देवी मंदिर का, मैं कई संस्थाएं मेरे पास है, परंतु हर जगह मेरे पास उपयुक्त कमेटी का गठन होता है ताकि कोई भी मैं निरपुंस होकर के कोई जिसकी जो मर्यादा हो, कई चीज़ें ऐसी हमारी होती है कि जो मतलब कि जमीन बेचे कहीं जो मैं बोलना नहीं चाहता, उसके लिए है कि जो कमेटी बनाई गई है वो ये देखे क्या ये मैं सही कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। और यहाँ सुपरवाइजरी बोर्ड में पांच मेंबरों को नियुक्त किया गया है। महाराज जी, तीन अखाड़े आज चक्कर कोशिश, देखिए आपको ये मैंने पहले ये कहा था, हमारे यहाँ जो है तीन अखाड़ों की बात नहीं है, हमारे यहाँ 13 अखाड़े होते थे, परंपरा से चलते आ रहे थे, परंतु हरिद्वार में हमारा आपसी विवाद हो गया, सन्यासी ने कोई विवाद नहीं किया, बैरागी संतों ने हमसे विवाद किया, जमीन का विषय हुआ था, वो हमसे अलग हो गए। इस समय हमारे दसों अखाड़े जो दस अखाड़ों की परिषद हमारी है वो यहाँ बाघम्बरी गद्दी में आई और यहाँ की नियुक्ति हुई है और सभी अभी भंडारे में जा रहे हैं और सभी जो है आज शाम को यहाँ से वापस चले जाए। बलवीर गिरी को क्या दायित्व दिया गया अखाड़े के? जो श्री महंत नरेंद्र गिरी जी के अधिकार थे वही अधिकार जो है बलवीर गिरी जी को दिए गए, वो स्वतः प्राप्त हो जाए, उसके अधिकार दिए नहीं जाते। बलवीर गिरी जी को आज हमारी परंपराओं के अनुसार आज उनके यहाँ चादर भी दी हुई, उनको महंकाई दिया गया और बाघम्बरी मठ लेके हनुमान जी की जो भी परंपरा है उसका उन्हें पूर्ण रूप से अधिकार सौंपा गया, जिससे कि पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज की इच्छा और पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज की जो आत्मा दोनों को शांति मिली, दोनों की कहीं न कहीं सम्मान रहे, उसको अखाड़े ने ध्यान में रखा और पूरे पंच परमेश्वर ने हमारे सामने यह प्रस्ताव रखा। मुझे अच्छा लगा क्योंकि बलवीर गिरी मेरा भी बहुत प्रिय शिष्य है, तो बलवीर गिरी जी की नियुक्ति, बलवीर गिरी जी की महंताई और बलवीर गिरी जी का यहाँ जो चादर विधि हुआ, मुझे लगता है उससे परंपरा आगे बढ़ती रहेगी, परंपरा टूटेगी नहीं और मेरा आदेश भी होगा और मेरा आशीर्वाद भी रहेगा उन्हें कि उस परंपराओं को आगे लेकर के वो बढ़ते रहें, क्योंकि बाघम्बरी गद्दी और लेटे हनुमान जी, विशेषतः लेटे हनुमान जी के प्रति पूरे भारत की आस्था है, पूरे भारत की श्रद्धा है, या वो किसी परंपरा के लोग हों, किसी समाज के लोग हों, किसी दृष्टि के लोग हों, किसी भी विधि विधान और परंपरा के लोग हों, उनकी आस्था हनुमान जी के प्रति है। तो जितने लोग हनुमान मंदिर में हनुमान जी दर्शन करने आते थे, नरेंद्र गिरी जी महाराज जिस प्रकार उनसे मिलते थे, उनका सम्मान करते थे, या मीडिया के हों, अधिकारी हों, राजनेता हों, जुडिशरी के लोग हों, या वो सामान्य सदग्रस्त हों, उद्योगपति हों, या अन्य कोई हो, उनका सम्मान करते थे, मुझे लगता है बलवीर गिरी जी महाराज इस सम्मान को बनाए रखेंगे और हमारी गरिमा को बनाए रखेंगे। महाराज जी, क्या नरेंद्र गिरी, आनंद गिरी क्या अभी अखाड़े में रहे, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा है, वो जेल चले गए हैं, ये अभी सब जाँच का विषय है, चल रहा है, हम लोगों के सामने जो भी कोई बात आएगी उसको अखाड़ा निर्णय रखे करेगा, निर्णय लेकर के मेरे सामने आएगा, निर्णय जो उचित लगेगा हम उस निर्णय में अनुमोदन करेंगे। एक बात और कही गई थी कि इनको महंत बनाने के साथ ही 5 सदस्यीय एक कमेटी भी बनाई जाएगी, तो वो अभी बनी है या बाद में बनेगी? चल रही है अखाड़े के आपस में। मैंने कहा बलवीर गिरी बाहर नहीं हो, मेरा भी शिष्य है, अखाड़े की परंपराओं को जानता है, समझता है,
इसलिए ये बिल्कुल कोई किसी प्रकार का कोई विवाद इसमें नहीं है। मैं प्रारंभ दिन से कह रहा हूँ कि महंताई को लेकर के हमारी कोई विवाद नहीं है। हमारा महंत नियुक्त है, हमारा महंत नियुक्त था और हमारी महंताई सामान्यतया उस व्यक्ति को हम देते हैं जो परंपराओं को लेकर के आगे चल सकता है। अगली खबर है यूपी के बस्ती जिले से। बता दें कि यूपी के बस्ती जिले में रुधौली ब्लॉक के ग्राम प्रधान ने बताया कि ग्राम सभा की स्थिति बहुत खराब है। सड़क नाली सब टूटे हैं, रास्तों में गड्ढा है जिससे जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। ग्रामीणों से जब इस बारे में पूछा गया तो ग्रामीणों ने बताया कि पुराने प्रधान द्वारा ग्राम सभा में कोई विकास कार्य नहीं किया गया और पंचायत भवन सामुदायिक शौचालय का काम अधूरा है। नए प्रधान द्वारा कार्य शुरू किया गया है। ग्राम सभा में राजा राम, प्रभावती राम, ब्रिज जगदीश आदि लोग मौजूद रहे। देखिए बस्ती से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट। मतलब अभी एक कमरा टाइलीकरण भी बाकी है, एक कमरा हुआ, एक कमरा बाकी है। सर जो अभी आपके गांव में जो सबसे बुरी स्थिति है वो है सड़क की। जी आपके गांव में आने का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, जाने का कोई रास्ता नहीं। अभी मान लीजिए बारिश हो जाए तो टू व्हीलर क्या वो निकलेगा नहीं, साइकिल से भी जाना दुश्वार है। तो गाँव की स्थिति खराब है। अब वो तो आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं मेरे यहाँ की रास्ते की क्या स्थिति है। चलिए ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? जगदीश जी, आप अपने प्रधान जी से संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट। जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो आपके ग्राम सभा की स्थिति तो बहुत खराब है। हाँ, जो पुराने प्रधान थे उन्होंने काम नहीं किया कुछ। अब जौन कुछ केन तौन के लेकिन कुछ पढ़ने अधूरा बात। अच्छा, तो कोनो वोट निकल है कि नहीं बात। क्या नाम है आपका? तो प्रभावती जी बताइए कि आपके प्रधान जी जो इस बार चुन के आए हैं ये जो कह रहे हैं काम करेंगे, आपको विश्वास है? हाँ। और पुराने प्रधान ने नहीं किया कुछ? पुराने प्रधान है जो कहना भैया। रामब्रिज जी ये बताइए कि आपके ग्राम सभा की स्थिति इतनी खराब है, कोटेदार के द्वारा पूरे ग्राम सभा का हनन हो रहा है, 4 रुपया किलो गेहूँ दिया जा रहा है, आपने इस बात को किसी से कहा? तो आप लोगों ने क्यों नहीं कहा? जैसे कहा उसको मतलब निकलना रहा पहले, नहीं तो आप कहेंगे तो मतलब क्यों नहीं निकलेगा? आपके प्रधान जी हैं, युवा हैं, भी नए जीत के आए हैं, अगर आप इनसे कहेंगे तो जरूर आपके लिए कुछ करेंगे। आप तो कहीं जाइए ना उनके लिए। क्या नाम चाचा आपका? राजा राम। तो राजा राम जी बताइए कि आपके यहाँ कोटेदार से क्या दिक्कत है, क्या शिकायत है? अगली खबर है यूपी के वाराणसी जिले से। बता दें कि यूपी के वाराणसी जिले में अमावस्या पर काशी में पिशाच मोचन कुंड से लेकर गंगा घाटों तक लोग पिंडदान कर अपने पितरों के मोक्ष का द्वार खोल उन्हें विदा कर रहे हैं। मान्यता है कि 15 दिन से धरती पर आए हुए पितृ अमावस्या के दिन विदा होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार आसने महीने की अमावस्या पितृ मोक्ष अमावस्या कहलाती है। इस दिन पितृ पूजा करने से पितर साल भर के लिए संतृप्त हो जाते हैं। आज के दिन स्नान के बाद दान और गाय को भोजन कराने के साथ ही पौधे लगाने से पितर संतुष्ट होते हैं। पितृ मोक्ष अमावस्या पर पितृ पक्ष के अन्य दिनों की अपेक्षा गंगा घाटों और पिशाच मोचन कुंड पर श्रद्धालुओं की ज्यादा ही भीड़ उमड़ी हुई है। दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, 80 घाट, तुलसी घाट सहित सभी प्रमुख गंगा घाट श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। पिशाच मोचन कुंड पर सर्वाधिक दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं ने अपने पितरों की शांति के लिए पिंड दान किया। स्नान, पिंड दान और दान का यह सिलसिला देर शाम तक जारी रहेगा। मान्यता है कि सर्वप्रीत अमावस्या के दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है। देखिए लंका से सुनील कुमार तिवारी की रिपोर्ट।